हे hey, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ओशन ऑफ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस फाइनली हमें यहाँ पे हमारे इस चैनल पे फर्स्ट रिव्यू यूनिट मिल गया है, जो कि हमें भेजा गया है गियर बेस्ट की तरफ से। तो गाइस इस डब्बे के अंदर क्या है वो तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे पहले ही खोल के देख लिया है, मुझसे रहा नहीं गया, बट आपको यहाँ पे पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। तो गाइस सस्पेंस तो यहाँ पे बनी रहो, क्या पता यहाँ पे गियर बेस्ट वालों ने कहीं मुझे इसके अंदर सोन पापड़ी का डब्बा तो नहीं भेज दिया, क्योंकि दीपावली बहुत ही ज्यादा पास आने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं इस डब्बे के अंदर क्या है तो गाइस हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा भी दबाइएगा और फिर नीचे अपने कुछ विचार छोड़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं डब्बे के अंदर क्या है। सो गाइज यहाँ पे हमारा अपन का डब्बा तैयार विद हथियार। तो गाइज यहाँ पे अपन इसी हथियार से खोलेंगे इस डब्बे को और देखेंगे इसके अंदर सोन पापड़ी तो नहीं है दीपावली के लिए। तो गाइज चलिए कहाँ से खोलना, हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो लाइक यहाँ से पकड़ो, इसे पलटो, काट दो यार, कुछ भी कर दो, काट दो, फेंड दो, कुछ भी कर दो, मतलब कि कमाल कर दो। और फिर भैया यहाँ पे निकल के आ गया एक और पैकेट, तो मुझे पता है इस पैकेट के अंदर भी क्या है। तो लाइक मैं इसे भी काट देता हूँ लाइक ऐसे, और ऐसे काटने के बाद जो है यहाँ पर निकल के आता है हमारे सामने ये एक हैंड स्पिनर। तो गाइज यहाँ पे फिजिट स्पिनर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो गाइज इसे रखते हैं यहाँ पर अभी साइड में और फिर देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो अरे भैया बहुत ही कमाल की चीज़ है, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको इसके बारे में पहले से ही पता होगा ये एक्चुअली है क्या। तो गाइज यहाँ पे ये है एक गिम्बल आई माइंड जो हमें भेजा है गियर बेस्ट की तरफ से। तो गाइज यहाँ पे गियर बेस्ट के अंदर आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे अगर आप भी कुछ चीज़ें बाय करना चाहते हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी खोल के आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हैंड स्पिनर के बारे में। तो गाइज यहाँ पे खोला तो पैकिंग तो बढ़िया है भैया। तो यहाँ पे और भी क्या कुछ डिटेल दी गई है तो देख लेते हैं। हैंड स्पिनर जो भी है इसका कोड वोड और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमें भेजा है और गियर बेस्ट की तरफ से। और फिर गाइज यहाँ पे जो है आप इसे रन कर रहे हैं तो यार वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्लो घूम रहा है, बट एक्चुअली ये बहुत तेज है। लाइक मुझे जो है यहाँ पे ये बिल्कुल ही तेज घूमता हुआ दिख रहा है, बट यार वीडियो में इसका इफेक्ट कुछ और ही आ रहा है। सो यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि ये फिजिट स्पिनर बहुत ही स्लो घूम रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज घूम रहा है। तो यार ऐसा धोखा मत खाना है कि ऐसे ये बड़ी देर तक ऐसे ही घूमता रहेगा। तो गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है वीडियो के अंदर देखने में कि लाइक यार ये बहुत ही धीरे धीरे घूम रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये बहुत ही काफ़ी तेज घूम रहा है। सो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और फिर गाइस बहुत ही ज़्यादा तेज भी घूम रहा है, बट पता नहीं कि वीडियो में ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा बहुत ही स्लो घूम रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ही धीरे घूम रहा है, बट एक्चुअली बहुत तेज़ घूम रहा है। तो ये कमाल की चीज़ है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये रॉड है एक्चुअली, इसकी वजह से यहाँ पर कोई इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बाइक ठीक है, सही चीज़ है। तो है ये गिम्बल आई माइंड गिम्बल है जो कि हमें भेजा गया है गियर बेस्ट की तरफ से। तो गाइज अगर आप भी कुछ चीज़ें बाय बाय करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे मैं इसे कट करके आपको दिखाता हूँ। भैया धीरे धीरे कटिंग मारेंगे, रिव्यू सैंपल है, किसी तरह की कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो गाइज अगर आपकी यूट्यूब पे चैनल है, वीडियो से वीडियो है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो यहाँ पे हमने हटा दी इसकी पन्नी जिसकी आवाज़ बहुत ही कमाल की लगती है। तो भाई लोग डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है आई माइंड हैंडल्ड गिम्बल स्टेबलाइजर। तो गाइज बियॉन्ड स्काई की तरफ से ये गिम्बल है जो हमें भेजा है गियर बेस्ट ने। और गाइज यहाँ पे डब्बा बिल्कुल वाइट, फ्रंट पे गिम्बल की फोटो छपी हुई है। तो गाइज यहाँ पे हम खोलते हैं सीधा डब्बे को, ऐसे स्लाइड करके शूं से डब्बा खुल चुका है और फिर रखते हैं इसे साइड में और फिर देख लेते हैं यार ये डब्बे में अंदर कैसा दिखता है, मतलब दिलचस्प होगा ये कैसा होगा ये गिम्बल, एक्चुअली मुझे तो पता है आपके लिए। तो यहाँ पे हमने इसे खोल दिया कुछ इस तरीके से इस डब्बे को और भाई आप मिल गया डब्बे के अंदर हमें ये अपना गिम्बल और फिर सबसे ऊपर टॉप पे आपको देखने के मिल जाएगा यूज़र मैनुअल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डिम्बल को गिम्बल कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है और फिर ये यूज़र मैनुअल है। लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करो गिम्बल को, एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहे हो तो इसे एक बार जरूर पढ़ ले, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, बट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यार मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा
कि इस गिम्बल को आप कहाँ क्या कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको एक मिल जाता है USB डेटा केबल अपने गिम्बल को चार्ज करने के लिए। तो एडेप्टर इन्होंने नहीं दिया है क्योंकि इन्हें पता है आप अपने स्मार्टफोन को ही लगाओगे और स्मार्टफोन के साथ तो एडेप्टर मिलता ही है, इस चक्कर में इन्होंने यहाँ पर एडेप्टर नहीं दिया है। तो गाइज़ यहाँ पर USB केबल को रखते हैं साइड में और वहाँ पर जो एक ब्लॉक है वहाँ पर काउंटर वेट होगा शायद। और फिर गाइज यहाँ पर जो एक ब्लैंक जगह है यहाँ पर आई थिंक आप बैटरीज रख सकते होंगे अपने गिम्बल की। तो लाइक यहाँ पर निकालते हैं अपने इस गिम्बल को, तो थोड़ी परेशान यहाँ पर मुझे हो रही है इसे निकालने में। तो भैया निकल चुका है ये अपना गिम्बल और लाइक हाथों में पकड़ने के बाद ये प्रीमियम सा लग रहा है। तो गाइस डब्बा खाली हो चुका है तो उसे रखते हैं साइड में और बात करते हैं गिम्बल के बारे में। तो गाइस यहाँ पे गिम्बल मिलता है, एक काउंटर वेट मिलता है। लाइक अगर आपके पास 6-6.5 इंच का फ़ोन है तो उसके लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है 2600 mAh की, जो कि आपको 6-8 घंटे का बैकअप आई थिंक दे देगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो गाइस नीचे की साइड जो है आप यहाँ पे बैटरी को लगा सकते हैं। किस साइड से लगाते हैं? दोनों साइड से लगा सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की बात है, यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको। और फिर इधर की साइड जो है आप काउंटर वेट को भी जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। लाइक अगर आपके पास 5-5.5 इंच का फ़ोन है तो इसे लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा फ़ोन का क्या वेट है। तो गाइस फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो गाइस यहाँ पे फ्रंट की साइड आपको बियॉन्ड स्काई का ब्रांडिंग मिल जाएगी, चार्जिंग के लिए USB पोर्ट मिल जाएगा। और फिर गाइस यहाँ पे जो ये आपका गिम्बल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ब्लास्ट है, मतलब बनाई हुई क्वालिटी जो है इसकी वो बहुत ही कमाल की है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि लाइक टोटल लोकल लोकल सा माल है, भाई बिल्कुल ही प्रीमियम सा फील हो रहा है इसे पकड़ने के बाद। बहुत ही ज़्यादा महंगा तो नहीं है बट एवरेज है और ठीक ही है। तो गाइज यहाँ पे इसे ऑन तो आपको स्टार्टिंग में नहीं करना, ये प्रॉपर वे में तभी वर्क करेगा जब जो है आप यहाँ पे अपने स्मार्टफोन को इसमें अटैच करेंगे। तो गाइज यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को अटैच कर सकते हैं और फिर अगर आप उस बटन को टैप करेंगे जिसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2-3 सेकंड के लिए आपको दबा के रखना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे गिम्बल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लाइक गाइस ऊपर भी आपको एक स्लाइडर मिल जाता है, उसे जहाँ जिधर की साइड आप स्लाइड करोगे उधर की साइड ये फ़ोन जाएगा और लाइक ये फ़ोन रोटेट होगा और गाइज इसकी मदद से जो आप यहाँ पे वीडियो बना पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। लाइक गाइज बहुत सारे बंदे जो ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं तो उनके लिए यार ये बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है। लाइक घूमते फिरते हुए वीडियो बनाना पड़ता है, ऐसे में भाई गाइज शेक बहुत ज़्यादा हो जाता है कैमरा। तो गाइज यहाँ पे ये शेक नहीं होगा। और गाइज अगर आप डबल टैप करते हैं नीचे वाले बटन को तो गाइज आप जहाँ जहाँ अपने हाथों को मूव कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, आपके हाथों को जो है ये यहाँ पर फॉलो करेगा। और फिर यहाँ पे कैप्चर लिखा हुआ है, बिल्कुल ही कैप्चर, बिल्कुल ही अमेजिंग स्टाइल में लिखा हुआ है कैप्चर। तो गाइज इससे जो है आप यहाँ पे प्रीमियम वीडियो, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना सकते हैं स्टेबलाइजेशन के साथ। और गाइज अगर आप एक बार सिंगल टैप कर देते हो उस बटन पे तो गाइज आप जितना मर्जी हिला लो आपका जो कैमरा है सेम पोजीशन पे ही रहेगा। लाइक यहाँ पे आप देख लीजिए मैं अपने हाथों को बहुत ज़्यादा हिला रहा हूँ, बट गाइज अगर आप ध्यान से कैमरे की ओर देखें तो वहाँ पे जो है कैमरा मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, वो बस एक ही जगह पे, जिस जगह पे वो है उसी जगह पे वो है। और गाइज स्टेबलाइजेशन भी बहुत ही कमाल की है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर इस गिम्बल की बात करें तो गाइज बहुत ही कमाल का गिम्बल है और जितना मर्जी भी आप हिला लो डुला लो ऊपर नीचे घुमा फिरा लो बट फिर भी जो है यहाँ पर इसका ज़्यादा स्टेबलाइजेशन इसकी बहुत ही कमाल की है। और फिर गाइज यहाँ पे आपको एक पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लाइक अगर आप यहाँ पे 3 बार टैप करते हैं इस पर, इस बटन को 1, 2, 3, अगर आप जैसे 3 बार टैप करते हैं तो गाइज यहाँ पे जो आप इसे पोर्ट्रेट शॉट्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। लाइक गाइज पोर्ट्रेट मोड में भी जो आप यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। और फिर गाइज फोन को कैसे कैसे आपको टिल्ट करवाना है वो सारी चीज़ें तो आप यहाँ पर देख ही रहोगे, तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर इसकी मदद से कर सकते हैं और एक बहुत ही कमाल की वीडियो जो है यहाँ पर बना सकते हैं। अगेन 3 बार टैप करेंगे तो आपका फ़ोन जो है अगेन लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। तो यार कुछ इस तरीके से आप इस गिम्बल को यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर आप ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आप यूट्यूब ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाते तो यार इसे लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट शौक भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लाइक अगर आपको पसंद आ गया और आप इसे लेना चाहते हैं तो गियर बेस्ट की साइट पे जा करके इसे ले सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और गाइस इसके साथ एक एप्लीकेशन भी मिलती है जिसे इंस्टॉल करोगे तो गाइस उससे इंस्टॉल करने के बाद जो है आप यहाँ पे गिम्बल पे आपको एक बटन मिलता है, उस बटन की मदद से फोटो क्लिक कर सकते हैं और फिर वीडियो भी बना सकते हैं। तो गाइस कुछ इस टाइप की थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।